Good morning, lovely children. In last session, I told you how to manage this lockdown time. So, in continuation, I'm going to tell you something how to manage in less resources, how to manage your study in less resources, and whatever you have to use that only. So, first you have to do some preparations at home to proceed with your studies. हर बार बच्चों आप रिजल्ट मिलने के बाद बाजार जाते थे, आप बहुत सारी किताबें कॉपी सब खरीदते थे. इस बार ऐसा नहीं है, तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी है. डू क्लीन योर कबर्ड ऑफ बुक्स एंड कॉपीज, टाई अप एंड कीप इन ए पैकेट योर ओल्ड बुक्स टू गिफ्ट इफ यू विश टू गिफ्ट. आप पुरानी किताबों को बंडल बना के रख दीजिए, आप जब स्कूल खुलेगा तो उन्हें गिफ्ट करते हैं, हर साल गिफ्ट कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं. तो उन किताबों को बंडल बनाकर अलग रख दें. और सबसे जरूरी काम बच्चों जो आपको करना है, रिमूव ब्लैंक पेजेस ऑफ योर ओल्ड कॉपीज. आपकी लास्ट ईयर की जो कॉपीज है उनके ब्लैंक पेजेस निकाल लीजिए, रजिस्टर्स के ब्लैंक पेजेस निकाल लीजिए, मेक ए बंडल. Keep them in a very proper way, and these papers you have to use for your writing work, and keep that work in a, your file. आपको इस समय writing work कम करना है. इस समय हमें listening और अपनी speaking competency पे ज्यादा काम करना है. थोड़ा काम हम करेंगे ग्रामर पे, राइटिंग वर्क हम कम करेंगे क्योंकि हमको उसके लिए पेपर्स चाहिए होंगे और वो हमारे पास उतने नहीं भी हो सकते हैं. तो जो हमारे ओल्ड पेपर्स, वेस्ट पेपर्स, उनको हम अच्छे से यूज करेंगे राइटिंग वर्क के लिए. ज्यादा काम हम अपने कन्वर्सेशन पे, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी पे करेंगे. तो इस तरह से इस समय हमारा ये भी फर्ज है कि हम अपने रिसोर्सेस को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें, वेस्टेज को अवॉइड करें. सो इट इज टाइम टू इम्प्रूव योर लैंग्वेजेस. सो आपको रोज एटलीस्ट 10 लाइंस हिंदी में और इंग्लिश में पढ़नी है जोर से. यू हैव टू रिपीट दीज लाइंस आई विल सेड, and then we will comprehend those lines. So हमारी reading improve होगी, हमारी work, इसी से हमारी vocab भी improve होगी. आपको you will be sent links of story books, so read them with the help of conversation videos. You are supposed to learn spoken English. मैं आपको रोज conversation video एक send करूंगी और उससे आपको अपनी लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज होल द ईयर में, कहती हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि दो बातें. फर्स्ट चीज कि पेपर को पूरा यूज करना है. जहां से आपका पहला काम खत्म हो रहा है, आप वहां पर नीचे वही लाइन खींच के डेट डाल के नया काम शुरू कर दीजिए. हमें पेपर को ज्यादा से ज्यादा सेव करना, एक पेपर मिला है हमें तो उसको भरपूर इस्तेमाल करना है. दूसरी चीज कन्वर्सेशन छोटा छोटा करके स्पोकन लैंग्वेज पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका हमें मैक्सिमम यूज करना है. इसके बाद बच्चों हम 1 तारीख से वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन ऑन 1st of April. लेसन विल बी सेंड टू यू थ्रू 10 ओवर व्हाट्सएप ग्रुप. सो फॉलो योर टाइम टेबल टू स्टडी, टू कंप्लीट योर वर्क, टू सेंड इट इन द ग्रुप. आप को मैं लेसन भेजूंगी, आपको सारा टेनो ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी. आप अपना टाइम सेट करिए, घर पे भी अपना टाइम सेट करिए. जैसे उठते हैं, उठ के नहा धो के खा के एक स्टडीज का टाइम सेट रखिए, उसमें आप ये काम करिए और उसे भेजिए. अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप सुबह मॉर्निंग में 9 to 11 आप डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन कॉल, यू कैन चिट चैट थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन सेंड थ्रू टेनो ऐप. आप कैसे भी करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, वी विल बी अवेलेबल. अच्छा बच्चों आप घर पे हैं, सो यूज व्हाट्सएप ग्रुप फॉर चिट चैट एज यू डू इन द क्लास, आस्किंग क्वेश्चंस, हेल्पिंग योर फ्रेंड्स एंड शोकेसिंग योर वर्क. सो यू हैव टू यूज इट. एक चीज बच्चों, जब आप खाली हैं तो हमारा बहुत अच्छा ब्लॉग है, आप इसको विजिट करिए, ये आपके लिए ही बनाया गया.
इसको आप जब विजिट करेंगे तो इसमें आपको, हम स्कूल में भी आपको दिखा चुके हैं, इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी वर्कशीट्स मिलेंगी, तो उनको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं. सो टेक केयर, बी रेडी फॉर 1st of April, एंड बाय, सी यू अगेन.